हम एमपी भी जाते हैं, हम यूपी भी आए हैं, लखनऊ डेफिनेटली आए हैं। और जगह पसंद इसलिए बहुत है क्योंकि जैसे आप सब हंसते हैं कि सफाई मैं बोलता हूँ और मुझे साफ दिखा, और मुझे रोज़ बहुत पसंद आई, मुझे लोग बहुत पसंद आए, बड़े तमीज़दार लोग करके बात करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। इन ऑल इन टोटैलिटी आना हमेशा अच्छा ही रहता है। लखनऊ में आप कितनी दफ़ा आ चुके हैं और यहाँ पर खाने के लिए या फिर यहाँ पर चिकन काफ़ी फेमस है? मैं वेजिटेरियन हूँ। नहीं, चिकन पहनने वाला। अच्छा, चिकन। अच्छा, शुक्र है, मैंने कहा चिकन कौन सा। तो आपको पहनने या में खाने में या ओवरऑल लखनऊ की शॉपिंग में क्या पसंद? चिकन का कुर्ता पंकुरी ने दिया था, डेफिनेटली बहुत पसंद है, वाइट कलर का कुर्ता। और खाने का मैं शौकीन नहीं हूँ, तो खाने के बारे में मुझे कुछ एबीसीडी नहीं पता। वेजिटेरियन आता हूँ, पनीर खाता हूँ, और क्या क्वेश्चन। कोई यहाँ फेमस रेस्टोरेंट वगैरह में गए हों आप कभी फैमिली के साथ? अगेन मैंने कहा घर का खाना पसंद है, मैं रेस्टोरेंट वाला बंदा। अच्छा, लखनऊ में आपने आज से मतलब जितनी बार में आए हैं आपने घूमा है कभी चीज़ों के बारे में? मतलब इतना लंबा ट्रिप कभी गया नहीं, मतलब एक तो जैसे ये वाला ट्रिप भी आज का ही है, तो आज ससुराल मतलब इंदौर से मिली हूँ आपने, और फिर कल में वापसी है। थोड़ा भाग दौड़ में हमेशा ट्रिप होता है, अभी तक उस तरीके से नहीं घूमा जितना घूमना चाहिए। पार्क्स और मॉन्यूमेंट्स और बड़े छोटे छोटे कैफेज बहुत खुल गए हैं यहाँ, तो वहाँ गया हूँ, तो बहुत अच्छा है। तो डेवलप अच्छा हो गया, काफ़ी चीज़ें अच्छी आ गई हैं। तो मतलब बहुत साल पहले आया था, मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट होस्ट किया था यहाँ पे 2011 में, तब आया था प्रमोशन करने के लिए और ऑडिशन लेने के लिए यहाँ पर। तब उतना डेवलप नहीं था जितना अभी हो गया, और इतना साफ नहीं था जितना। होस्टिंग या टीवी दोनों से क्या परफेक्ट है? टीवी एक्टिंग नहीं होती, एक्टिंग होती है, एक्टिंग होती है, और टीवी पे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। और होस्ट करना सी एक्टिंग ज़्यादा पसंद है, डेफिनेटली एक्टिंग होते हैं, एक्टिंग ही पसंद है, और होस्ट करना ठीक है। की एक्टर गौतम रोहिणी जी जो लखनऊ में आए थे, जिनसे हमने बात की लखनऊ के बारे में, यहाँ के खान पान और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स के बारे में। ईटीवी से रमांशु मिश्रा, लखनऊ।